Hey guys, welcome to Spartan Subh. I hope guys are अच्छे होंगे. So guys, M6 का Royal Pass दिखाने का पहले मैं आपको कुछ important चीज दिखाने वाला हूँ जो कि बहुत ही important है. ये video actually मैं सुबह को ही डालने वाला था, but M5 Royal Pass आ गया इसके लिए मैं delay करके बना रहा हूँ. तो definitely video को starting से end तक देखना, एक बहुत बड़ा concern है, तो वो भी चीज आपको पता चल जाएगा. Start करते सबसे पहले आपको पता BGMI यूजर को randomly बहुत बंदे को ये वाला रिवॉर्ड आपको दिखाई दे रहा है. मैक्स योर लक 2.0 रिवॉर्ड आपको दिखाई दे रहा है और आपको इसका अंदर से RP कार्ड मिल रहा. तो बहुत लोगों को पता नहीं चल रहा कि कहाँ से आरपी कार्ड आया, तो मैं आपको बता देता हूं कि BGMI वाला ऑफिशियली कुछ दिन पहले इन्फॉर्म कर दिया था कि हम लोग एक मैक्स और लक 2.0 नाम का इवेंट देंगे. इसमें हम लोग मेल बॉक्स में रैंडमली कुछ भी रिवॉर्ड भेजेंगे. वो जो रिवॉर्ड उसका जो एक्सपायरी टाइम होगा 3 घंटा. तो जैसे आपको रिवॉर्ड भेजा जाएगा उसका 3 घंटा के अंदर अगर आप ये रिवॉर्ड को कलेक्ट करते हो, तो आज से लेकर 19 तारीख तक डेली बेस में कुछ ना कुछ रिवॉर्ड दिया जाएगा, कभी भी दिया जाएगा. और आपको गेम को ओपन करके इसको सबसे पहले कलेक्ट करना है क्योंकि 3 घंटा बाद ये एक्सपायर हो जाएगा. जो बंदे सब रिवॉर्ड को कलेक्ट करेंगे सिक्वेंटली उसमें से लक्की विनर को ये सब रिवॉर्ड दिया जाएगा. जैसे कि आप देख पा चिकन डिनर ग्राफिटी रोस्टेड चिकन उसके साथ तक परमानेंट चिकन डिनर पैरासूट भी उन लोग को मिल जाएगा. तो आज आपको अगर ये रिवॉर्ड दिखाई दे तो फटाफट इसको कलेक्ट कर लो. 3 घंटा बाद इन लोगों का कहना कि एक्सपायर हो जाएगा. फाइनली इसको हम लोग कलेक्ट कर चुके हैं. मे भी आज और भी आ सकते हैं, नहीं तो कल भी आप आके देख सकते हैं अपने मेल बॉक्स में. और जो भी रिवॉर्ड मिला कलेक्ट कर लेना क्योंकि तो आज से लेकर 19 तक जितना भी रिवॉर्ड है कलेक्ट कर लो. और अगर आप लकी विनर रहेगा तो इसमें से कुछ भी रिवॉर्ड आपको मिल जाएगा और परमानेंट पैरासूट भी मिल जाएगा. ठीक है, तो अभी हम लोग आते हैं सेकंड टॉपिक में जिसका वीडियो रिकॉर्डिंग ऑलरेडी मैं कर चुका था. आप देख लो वीडियो क्लिप, उसके बाद मैं आगे आपको M6 रॉयल पास दिखाने वाला हूँ. आपको पता है पबजी मोबाइल 1.7 का जो अपडेट है वो कल आने वाला है. वैसे कुछ कुछ बंदे को आज ही मिल जाएगा, बट अपडेट आने के बाद आपको पता है जो हम लोग का स्क्रैप सिस्टम उसका लुक चेंज होने वाला है. तो फिलहाल अभी करेंटली 1.6 में अगर आप पबजी मोबाइल को ओपन करते हो, BGMI नहीं पबजी मोबाइल को ओपन करते हो, तो आपको जो रिडीम शॉप, आपको पता है रिडीम शॉप में हम लोग डेली सुबह को 5 स्क्रैप रिडीम करते थे. इधर आप शॉप में चल जाओ, उसके बाद आप रिडीम सेक्शन में चल जाओ, उसके बाद हम नीचे ड्रैग करो तो आपको पता है यहाँ से हम लोग क्या निकालते थे, 5 प्रीमियम स्क्रैप उसके साथ साथ 5 क्लासिक स्क्रैप. वो चीज़ को हटा दिया गया है. जी हाँ, वो चीज़ को हटा दिया गया. और मुझे यही चीज़ का डर था क्योंकि ये लोग बहुत ज़्यादा ऑफर तो दे रहे, बट मुझे डर था कि ये भाई ये लोग हटा ना दे जहाँ से हम लोग डेली रिडीम करते हैं. और देखो इधर गायब हो चुका है. सर ट्रेजर सेक्शन में अगर आप जाओगे तो पेड वाला आपको दिखेगा, जैसे कि आप देख पा रहे पेड वाला आपको दिख रहा है जो UC वाला है, बट जो फ्री वाला है वो गायब हो चुका है. वैसे तो वो दोनों लिंक्ड है, रिडीम और ट्रेजर, बट आप देख पा रहे अभी के लिए 1.6 में अगर आप जाओगे तो ये वाला दिखाई नहीं देगा. तो मैं सोचा कि पहले टर्की रीजन में ऐसा हुआ होगा, बट 2-3 अकाउंट मैं खोला सब में मुझे वो बोल सकते हैं स्क्रैप नहीं दिख रहा था और मेरा VPN डिस्कनेक्ट हो गया. खैर इसको रहने देते हैं. तो अगर ये चीज सही निकला तो भाई बहुत गंदा वाला सबका कटने वाला है लिटरली. अगर आप मेरे को बिलीव करोगे तो मुझे यही चीज का डर था क्योंकि पबजी वाला जब भी कुछ अच्छा करने की कोशिश करता है वो लिमिटेड UC वाला कॉन्सेप्ट ला देता है. जैसे UC तो दे रहा है बट लिमिटेड UC, तो वैसे वाला ये चीज में नाक करते हैं. वैसे अभी तक इसका कंफर्मेशन हम लोग दे नहीं सकते क्योंकि मैं भी कल अपडेट आने वाला है 1.7 का, तो उसमें आपको न्यू लुक वाला स्क्रैप दे दे सिल्वर की जगह में, तो वैसे भी हो सकता था. इसमें मैं दोनों पॉसिबिलिटी बता दिया. मे भी अभी 1.7 का सर्वर में नया स्क्रैप डालना चाहता है इसलिए ये वाला क्लाइंट से ये हटा दिया गया. कुछ भी रीजन हो सकता है, वो चीज तो हम लोग 1.7 का जब सेटअप आएगा ऑफिशियल सेटअप उसमें सबसे पहले जाके वही चेक करना होगा कि हम लोग का सिल्वर में वो स्क्रैप दे रहा है कि नहीं, क्योंकि उसका न्यू लुक वाला मे भी उसके अंदर डाल सकते इसलिए पुराना लुक वाला हटा दिया गया. वैसे अगर आप BGMI के अंदर जाओगे तो अभी स्क्रैप देखने को मिल रहा है क्योंकि BGMI का अपडेट अभी नहीं आने वाला. वैसे भी आपको 3-4 दिन अभी और वेट करना होगा, तो मे भी इसके चलते वो हटाया नहीं गया. अभी आप जाके इजिली जितना भी प्रीमियम स्क्रैप उसको रिडीम कर सकते हो और इसलिए मैं इसको आपको इन्फॉर्म कर दिया. अब सबसे बड़ा क्वेश्चन वही वर्जन सॉल्व करेगा, वो है 1.7 कि क्या हम लोग का स्क्रैप रहेगा कि नहीं रहेगा, क्योंकि ये बहुत अच्छा एक जरिया था जहां आप प्रीमियम कूपन के लिए जमा करते थे. तो आप लोग अपना थिंकिंग बताना क्योंकि अभी फाइनलाइज नहीं हुआ 1.7 का. जब तक सेटअप नहीं आता आप कंफर्म भी नहीं बता सकते कि मे बी उसमें नया लुक के साथ आपको स्क्रैप दे दे. सो गाइस M6 रॉयल पास का अभी तक तो ट्रेलर और बहुत सारा आउटफिट का टेक्सचर लीक होकर आया नहीं है, बट जितना भी लीक निकल के आया मैं आपको दिखा रहा था. तो M6 का पहला रिवॉर्ड आपको दिखाई दे रहा है मेरी 80W 94 जो कि आपको रैंक 1 में मिलने वाला है. और जो आउटफिट है उसका टेक्सचर अभी तक आया नहीं है, मे बी 1-2 दिन में आ जाएगा तो मैं एक और डिटेल वीडियो बना दूंगा. फिलहाल के लिए आप देख पा रहे हैं लेवल 1 में ये मेरी 80W 94 आपको मिलने वाला है. W 94 का एक स्किन जरूरत था, बहुत दिन हो गया था. चलो ठीक है, इसको हम लोग एक्सेप्ट कर लेंगे. कैसा लगा कमेंट करना. इसमें आप देख पा रहे विंटर थीम, मतलब वो आप देख पा रहे वो जो लाइट्स है वो क्रिसमस वाला वो आपको दिखाई दे रहा है. उसका लेवल 2 में आपको RP 250 पॉइंट मिल रहा है. उसके साथ साथ वही आउटफिट का हेडगियर आपको दिखाई दे रहा है, सेंटा क्लॉज जैसा दिखाई दे रहा है. उसके साथ साथ हेलमेट भी काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे, ये इमेज से अच्छा लग रहा है. उसके साथ साथ M6 का जो 50 लेवल का जो आउटफिट होने वाला उसका अवतार देख पा रहा हूँ क्योंकि अभी तक उसका टेक्सचर तो आया नहीं, बट यही काफ़ी OP लग रहा है. उसके साथ साथ इमोट देखो,
ओ भाई स्ट्रेंजर हेट से आपको दिखाया जाए पागल हो गया है। उसके बाद आप देख पा रहे वापस सबके एक व्हीकल का स्किन मिलने वाला रैंक 20 में, और इस बार मेरी ये टी यूएस मिलने वाला ओपन वाला, ठीक है। इसके पहले हम लोग कवर्ड वाला मिला था, इस बार ओपन वाला मिलेगा। तो भाई हर एक से लेके गाड़ी तो आपको मिल ही रहा है। चीज मैंने नोटिस किया कि M6 का जो आउटफिट है वो काफी अच्छा मुझे लग रहा है इमेज में ही, जब इसका टेक्सचर लीक होकर आएगा तो और भी अच्छा लगने वाला डेफिनेटली। और इसका जो इमोट आप देखोगे ना हंस हंस के पागल हो जाओगे, और ये इमोट वन ऑफ द बेस्ट इमोट गेम का अगर अंदर एग्जिस्ट होने वाला है। वाइब्रेंट यूथ सेट आपको दिखाई दे रही है, आपको फ्री आरपी में मिलने वाला रैंक 25 में, और ये भी ठीक ठाक सा है, खराब नहीं है। सबसे पहले आप देख पा रहे वापस से M7 का आपको 60 आउटफिट वापस मिल रहा, उसके साथ साथ देख पा रहे हैं इमोट फोर्जन गार्डियन, ये क्या ही ओपी इमोट है मैं क्या ही बोलूं, देखो इसको। उसके बाद भाई नेक्स्ट लेवल वाला इमोट बनाया है, ये आपको मिलने वाला रैंक 30 में। उसके साथ साथ एक ऑर्नामेंट भी आपको ऊपर दिखाई दे रहा है, वो अभी तक लोड नहीं हुआ है। उसके बाद आप देख पा रहे रेप्टिलियन गेज UMP 45 आपको दिखाई दे रहा है, ये मुझे उतना खास नहीं लगा, उससे अच्छा तो मुझे वो शॉटगन का स्किन लगा जो हम लोग M5 का मिलने वाला है। तो आप कमेंट करना आपको कैसा लगा UMP का स्किन जो फ्री RP में आपको मिलने वाला। एक चीज़ मैंने नोटिस किया कि जो जो गन का ज़्यादा स्किन नहीं है वही स्किन को लाने के लिए कोशिश किया, तो वापस से आपको पेड RP में एक और गन स्किन मिलने वाला है, वो होने वाला है MK12 शायद आई गेस, और वो लिविक एक्सक्लूसिव है। उसके बाद आप देख पा रहे रैंक 50 में ये आउटफिट मिलेगा, क्योंकि मैं अवतार में दिखा दिया। कमेंट करना बहुत ही जल्दी इसका जो रिमेनिंग टेक्सचर है वो मैं आपको दिखा दूंगा, बट आपको तो आइडिया हो गया कि किस तरह के आउटफिट होने वाला है, और ग्रेनेड का स्किन इस बार आपको RP एडवेंचर मिलने वाला है। खैर अभी फिलहाल के लिए जितना भी लिक्स था मैं आपको दिखा दिया, और भी लिक्स जैसे ऐसे मिलेगा मैं आपको दिखाते जाऊंगा। तो थैंक यू सो मच गाइस एंड हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।